ये जो प्रश्न आपने किया, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जितने देश के राज्य हैं वहाँ पर आवारा पशु जो देखने को मिलते हैं। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह आवारा पशु देखे जाते हैं। इसके लिए जो पशु पालते हैं, और जब पशु दूध देता है तो पशु हमारा है, उसके मालिक हम हैं। जब दूध देना बंद कर दे तो पशु सड़कों पे सरकारी हो जाता है। इसलिए मैं तो उन्हें दोषी मानता हूँ जो दूध पी के गाय को और खासकर बछड़ों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो आवारा पशु हैं, जो कुछ जहाँ गौ सदन है उसमें भी 21,104 पशु जो हैं वो गौ सदनों में हैं, और जो सड़कों पे हैं 10,742 संख्या सड़कों पे है। सरकार इस बारे में गंभीर है कि जैसे 21,104 पशु जो गौ सदनों में, उसी तर्ज पे हम गौ सदन बनाए, और उन गौ सदनों को जो अधिक आय वाले मंदिर हैं उसके साथ अटैच करें, ताकि जो गोवंश है उसे कुछ सहारा मिल सके, और जो लोग इससे परेशान हैं उनको भी निजात मिले। इसलिए सरकार गंभीर है, क्योंकि इस समस्या से कई किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी है। जब किसानों को पूछा जाता है तो एक ही बात करते हैं, आवारा पशुओं की वजह से हमने खेतीबाड़ी छोड़ी है। तो इस समस्या के प्रति सरकार गंभीर है। इस समस्या से निपटने के लिए सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे भी सरकार अपील करेगी कि और गौ सदन जो है वो बनाए जाएं, और जो सड़कों पे आवारा पशु हैं उन्हें भी गौ सदनों में वो संस्थाएं रखें। सरकार भी प्रयास करेगी नए गौ सदन खोलने की, और इस समस्या से लोगों को निजात मिले इस ओर कदम उठाएंगे। ये समस्या गंभीर है, और ख़ासकर जो आवारा बैल हैं लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, ये समस्या भी बहुत गंभीर है, चिंतनीय है। इसकी जितनी चिंता की जाए कम है, क्योंकि चलते राहगीर को आवारा सांड जो हैं वो बेरामी से मारते हैं, और कई लोग तो मौत के घाट उतरे हैं। तो इस विषय में सरकार गंभीर है, और इससे निजात लगाने के लिए कदम उठाएंगे। सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, और जो गौशाले हैं उनको वो खोलें, और सरकार मंदिरों के साथ गौ सदनों को अटैच करे, ताकि समस्या से निजात मिल सके, यही मेरा मानना है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह पे बादल फटे हैं और नुकसान हुआ है, कई जानें चली गई हैं, उनके प्रति सरकार गंभीर है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो दिल दहलाने वाली बात है, चिंता का विषय है, और पिछले जख्म अभी हमारे उभरे नहीं, नए जख्म तैयार हो गए हैं। सरकार प्रयास करेगी सभी को उचित सहायता मिले, और निचले क्षेत्र में भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ नुकसान मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। छोट मोट घटनाएं हैं, उसका हम समाधान कर रहे हैं। मैं बैजनाथ के जाने के पर जहाँ जहाँ थोड़े बड़े नुकसान है वहाँ जाके खुद दौरा करूँगा, लोगों की सहायता करूँगा, यही मेरा प्रयास रहेगा। और जितना भी सरकार से हो सकेगा उन लोगों की सहायता की जाएगी। सरकार आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद प्रयत्न कर रहे हैं, और इन्होंने जहाँ नुकसान हुआ वहाँ का दौरा भी किया, प्रभावित लोगों से मिले भी हैं। वहाँ कुछ पुल बह गए हैं, वैली ब्रिज वहाँ बनाए जाएंगे, और भी जो नुकसान है उसका जायजा लेके सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव मदद करेगी, यही सरकार का प्रयास रहेगा।